प्रणाम मुंबई की माता रानी, मुंबई की माता रानी को मेरा प्रणाम, उनकी आशीर्वाद से, मेरी पिता माता गुरु के आशीर्वाद से, और तमाम जो यहाँ पर मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं और मेरे जो एनजीओ के जितने भी लोग हैं, उन सभी के आशीर्वाद से आज एक बेहतरीन कार्य शुरू होने जा रहा है। इतिहास में, इंडिया के इतिहास में पहली बार जो तमाम जो कलाकार इस कोरोना काल के बाद जो आज लोगों को काम नहीं मिल रहा है, उनके लिए खाना नहीं है, तो इस आदर्श नगर में सिग्नल पर वो तमाम जो कलाकार, तमाम जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस मुंबई शहर में आके, जो टेक्नीशियन टीम है, हर रोज 12 बजे आप आइए, थाली उठाइए, खाना खाइए और हमें आशीर्वाद दीजिए। हाँ कल्याण जी, पहले बॉलीवुड में गुलशन कुमार हुआ करते थे, उसके बाद सोनू सूद पैदा हुए, अब तीसरा कल्याण जी जानत, कोई भूखा नहीं सोएगा पूरे बॉलीवुड में। जी क्या, कैसे जहन में आया इस सब सारी चीज़ों को और कैसे हैंडल करेंगे और कैसा, कितना चैलेंज है, कितना तनाव? मेरा टीम से मैंने बात किया, दादा साहब फाल्के आयकर फिल्म DPIM जो मेरी टीम है, वो टीम के तमाम जो मेंबर है, मेरे अध्यक्ष नेहरू जैन, मेरे डायरेक्टर पांडे सट्टी, मेरे तमाम जो लोग हैं, तमाम टीम के जो लोग हैं, अंजना अपना, अर्चना देशमुख मेरी बहन, तमाम जो लोग हैं उनसे मेरा चर्चा हुआ, मेरी वाइफ, लवली वाइफ अंकिता दादा, तो मैंने बोला जो ऐसा मुझे कुछ, जब मैं हम लोग लॉकडाउन में जब हम लोग अनाज दे रहे थे हर घर घर जा, तो हमने डिसाइड किया जो अनाज के साथ साथ हम क्यों ना शुरू करें रोज का खाना, तो हमने रोज का खाना हमने शुरू करने जा रहे आज से इस आदर्श नगर मुंबई में। तो हमारा अखिलेश भाई ने पूछा, जो पहले गुलशन साहब, उसके बाद सोनू सिंह, सोनू सूद जी, उसके बाद कल्याण जी आना, तो कल्याण जी आना के साथ में DPIM की टीम है, आप मीडिया है, मेरे गुरु समान PRO संजय भूषण पटियाला, मेरे गुरु समान PRO हिमांशु झुंझुनवाला, जो यहाँ पर पूरी मीडिया को आज बुलाया है, शैलेश पटेल जी, और तमाम जो लोग यहाँ पर मुझे सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे आए हैं, और तमाम जो मान्यवर यहाँ पे आने वाला है, जो फोटो लगा हुआ है, उन सभी के आशीर्वाद से, और मेरी टीम के तमाम जो मेंबर है जो आज आ नहीं पा रहे, मेरी टीम पूरी हिंदुस्तान में है, हिंदुस्तान के हर सिटी में है, बाहर कंट्री में है, फिलीपींस में है, जापान में है, इटली में है, दुबई में है, हर तमाम कंट्री में DPIM दादा साहब फाल्के आयकर फिल्म्स। आपके साथ जो बड़े बड़े मेंबर जो नाम बताए? मेरे साथ जो मेंबर है यहाँ पे राजू ताई, जो हमारे यहाँ के ऐसे समाज सेविका, ऐसे यहाँ पर धुरंधर समाज सेविका, सब ताई बोलते हैं उनको, मैं धन्यवाद करता हूँ, अभी कुछ ही देर में वो आने वाली है, राजू पेंडेकर साहब जो शिवसेना के एक ताकतवर नगर सेवक, साथ साथ में मेरे बड़े भाई, मेरे गुरु समान अभिजीत राणे साहब, हमारे फेडरेशन के अध्यक्ष, मेरे गुरुजी माननीय BN तिवारी साहब, और तमाम लोग यहाँ पर हैं, गेस्ट आएंगे, हिमांशु भाई आएंगे, संजय भूषण साहब आ चुके हैं, हमारे गुरुजी हैं सुरेश गुरु ओझा, वो भी आने वाला है, तमाम लोग यहाँ पर आएंगे। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूँ, मैं कुछ नहीं, मैं छोटा सा गरीब इंसान हूँ, अगर मैं, जब मैं कल नवाब मलिक साहब के पास गए थे, तो नवाब मलिक साहब ने बोला कल्याण जी आप शुरुआत कीजिए, आपके साथ हम हैं। जब कल मैं गोपाल शेट्टी साहब के पास गए थे, तो उन्होंने बोला कल्याण जी मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद हमारे इस पोस्टर को उद्घाटन किया है माननीय श्री रामदास अटलवे साहब, आज आने वाले थे, कुछ कारण से वो हैदराबाद चला गया, इसलिए वो यहाँ पर आ नहीं पाया, लेकिन उनकी आशीर्वाद हमारे साथ में है। रामदास अटलवे साहब एक हमारे भारत संघ के मंत्री हैं, एक बेहतरीन समाज सेवक है, एक योद्धा है, क्योंकि कोरोना काल को मार के वो आज काम कर रहे हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर हैं। मैं सभी से विनती करता हूँ, मेरे तमाम जो मेरे टीम में जो लोग हैं, आप लोग भी अपनी सिटी पे, अपने शहर में, अपनी राज्य में, तमाम जो कलाकार अगर स्ट्रगल कर रहे हैं, भूखा है, तो उनको आप लोग भी शुरू करें, और जो लोग हैं यहाँ पर तमाम बड़े बड़े स्टार हैं, उनसे मेरा निवेदन है हाथ जोड़। उद्देश्य आपके क्या क्या है?
जी जी इस चैलेंज को पूरा करने के लिए किस तरह से आपने शुरुआत कर लोगों का किस तरह से आपको सपोर्ट मिला? जी मेरे पास दो इंसान अभी सपोर्ट करने के लिए आए हैं। इसका नाम है किरण पटेल जो प्रोड्यूसर है। उन्होंने बोला कल्याण जी मैं आपको थोड़ा बहुत मेरी मम्मी ने भेजा है आपके लिए। और हमारे राजस्थान से सुपरस्टार आए हैं कुमार गौतम जी। उन्होंने बोला कल्याण जी मैंने कुछ आपको पैसा भेज रहा हूँ। मैंने बोला मत भेजो, आज मीडिया के सामने आप देना, क्योंकि पैसा मुझे नहीं, मुझे आपका सम्मान चाहिए। और मेरे जो भाई है प्रिया जी, आपने बहुत अच्छा बोला कि खाना रोज़ कौन बनाएगा, नहीं मेरे जो भाई है, आप मेरी बहन है, लेकिन मेरे जो भाई है वो बहुत से कुक है। तो उन्होंने बोला भाई मैं खाना बनाएगा, कि मेरा सगा भाई है, वो बॉम्बे में रहता है, कुक डांसर है और बहुत कुक है। तो मिलन जाना ने बोला हम बनाएंगे। इसलिए मैं शुरुआत करने के लिए आगे चला एंड थैंक यू सो मच। कल्याण भाई ये बताइए आपने संघर्ष का जो कहानी है उससे आप प्रेरित होकर एक काम कर रहे हैं, थोड़ा बताइए जो आपने संघर्ष किया मुंबई में कब आए कैसे क्या किया जो भी आपने जो नाम स्थापित किया। संघर्ष तो बहुत बड़ा है, रात हो जाएगा, बस खाली इतने बोलना चाहता हूँ मैं, इस शहर में मैंने भी कचरा से खाना खाया है जू बीच में, इस शहर में मैंने भी चप्पल घिसा है, इस शहर में मैंने भी कुछ खाने के लिए मैंने इडली कोटा खाया जूझा। तो मैंने सोचा इस मिट्टी अगर जिसने मुझे कुछ देगा, इस मिट्टी अगर कुछ ने मुझे कुछ बनाएगा, तो इसी मिट्टी में मैं हर रोज खाना सोचूंगा, ये मेरा सोच था। तो थैंक यू माई ब्रदर मिलन जाना एंड थैंक यू ऑल माई टीम एंड वीरू जी पंडरी जी मेरे ऑल टीम जो मेरे साथ रहते हैं, काम करने के लिए आगे आते हैं। मैं अकेला नहीं कर पाता हूँ क्योंकि अकेला आदमी कितना कुछ करेगा। तो इस शहर ने मुझे बहुत लात भी दिया है, गाली भी दिया है और बहुत कुछ दिया। तो सर मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ, जब मैंने पहला फिल्म शुरू किया था ढूंढ लेंगे मंजिल हम, तभी भी बहुत लोगों ने धोखा दिया, लेकिन दो आदमी बहुत साथ दिया, तीन आदमी, ब्राइट के मालिक जोगेश सागर जोगेश लखानी जी, एक हिमांशु झुंझुनवाला, एक संजय भूषण पटिया। मेरी पहला फिल्म मैं रिलीज़ किया, मैंने बताया फिल्म बना के रिलीज़ कर सकते, उस टाइम पे प्रिया भी था, उस टाइम पे बूम लेके आया था वो वाशी आया था, तब संजय भूषण के पास वो जॉब करता था, उसके साथ में वो तमाम लोग मेरी हर मोड़ में मुझे खींचता है जो भाई तुम कर नहीं पाओगे। लोग बोलता है तुम रोज़ कैसे खिलाओगे, तुम्हारा घर में खाना खाता होगा रोज़? आज दादा साहेब फाल्के के नाम से तमाम शो करता पैसे कमाता है, मैं किसी का नाम नहीं लेंगे बोलता कंट्रोवर्सी हो जाए। दादा साहेब फाल्के के नाम से 6 शो होता है, मेरा 7वां शो है। लोग बोलते हैं दादा साहेब फाल्के के नाम से तुम पैसे कमा रहे हो, क्या कमा रहे हो भाई? मैंने खाना शुरू किया, क्या कमा रहा हूँ मैं? मैंने अपने जेब से पैसा लगा के मैंने अवार्ड शो किया, वो पूरी मीडिया को पता है, शैलेश पटेल जो मीडिया मुंबई रफ्तार का, उसको एक दिन शो के एक दिन पहले उसको मैंने उसको पता है। और लोग बोलते हैं पीछे से मेरी इस आदर्श नगर में जो कल्याण जी रोज कैसे खिलाएगा, मैंने इतना सुना है जो कोई अच्छा काम जब शुरू होता है तो आदमी छूटते हैं। मैं कुछ नहीं हूँ, मैं तो गरीब आदमी भाई, लेकिन जो आज शुरू किया मैं ये, तो मेरी टीम मेरे साथ है, मेरे पास जो बैठे हैं मेरे बगल में मेरी बहन सलमा मेमन, जो कोरोना काल में तमाम वो एक्टरों को जब मैंने उनको फ़ोन किया जो भाई आपको देना है, सबसे पहले इन्होंने शुरू किया, उसके बाद मैंने शुरू। मेरे बगल में बैठे हैं भोजपुरी के सुपरस्टार और सुपर हीरोइन, थैंक यू संजय भूषण पटियाला जी, अर्चना देशमुख जी जो मुझे घर पे बुला के मुझे 10 किट दिया था, आज ही मुझे याद है, हमारे मुंबई महिला अध्यक्ष, तमाम और लोग आए हैं। मैं खाली इतनी बोलना चाहता हूँ, मेरी ऑर्गेनाइजेशन छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा जैसा संजय भूषण पटेल ने बोला आपका क्या उद्देश्य है, मेरा उद्देश्य एक ही है, पहला उद्देश्य है जो मैंने शुरू किया आज, दूसरा उद्देश्य है मेरा
वेब सीरीज में जो गंदगी चल रहा है उस गंदगी को मैं मिटाऊंगा। जो लड़कियों का कपड़ा खुलेगा उस घर जाके उसका कपड़ा खुलेगा, ये मेरी पूरी टीम जाएगा। वेब सीरीज में गंदा करोगे, गंदा दिखाओगे, तुमको हम गंदा करेंगे। मेरा तीसरा पॉइंट है, दादा साहेब फाल्के को भारत रत्न अवार्ड क्यों नहीं मिला, वो हम दिलाएंगे। मेरा चौथा पॉइंट है, इस मुंबई शहर में, इस महानगरी में दादा साहेब फाल्के का मूर्ति नहीं है, तो हम इस 2021 में उनकी मूर्ति का निर्माण करेंगे। जिनका प्रस्ताव मैंने रखा था कल महाराष्ट्र के मंत्री माननीय श्री नवाब मलिक साहब के पास, उसके साथ साथ जहाँ जहाँ शूटिंग होता वहाँ वहाँ दादा साहेब फाल्के का फोटो होना चाहिए। जो इस इंडस्ट्री में काम करता है, चाहे स्पोर्ट बॉय हो चाहे बड़ा स्टार हो, उनके घर में उनका फोटो होना चाहिए। ये मेरा मुहिम नहीं है, ये आप सभी को बता रहा हूँ, प्लीज करिए, ये मेरा करिए। क्योंकि महाराष्ट्र को एक मराठी इंसान, इस महाराष्ट्र में एक मराठी इंसान ने फिल्म इंडस्ट्री को जन्म दिया। आज हिसाब हम लोग है ना, तो उसी आदमी ने बनाया था फिल्म इंडस्ट्री। आज क्या कर दिया तुमने, ऐसा कर दिया क्या, वही देखने के लिए उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री बनाया था? तुम्हारा इतना खाली कहना है। मेरा मुहिम बहुत बड़ा है, मैंने पहला मेरा मुहिम मैंने शुरू कर दिया, और हम लोग DPIA रोटी एंड कपड़ा बैंक खोला है। DPIA रोटी एंड कपड़ा बैंक, हर संडे को हम जो भी साफ करेंगे, हर संडे को, नेक्स्ट संडे को हम लोग झाड़ू मारेंगे, दूसरा संडे को हम लोग ओल्ड इज होम जाएंगे, और चौथा संडे को हम लोग जो भी पुलिस वर्कर है, जो ट्रैफिक पुलिस है, जो धूप में खड़ा होते हैं, जो BMC अधिकारी है, उन सबका हम सम्मान करेंगे। क्योंकि हम इंसान, हमें तो बहुत कुछ दे दिया है भगवान ने, अल्लाह ने, गॉड ने, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं जो भाई किसी को हम मदद करें। तो यहाँ पे हमारे हनुमान जी मंदिर जो है बाजू में आदर्श नगर में, उनकी ट्रस्टी, उनके आशीर्वाद से, क्योंकि वो जगह उन्होंने बोला कल्याण जी आप यहाँ पे खाना खिलाइए, तो उनका आशीर्वाद है। बाजू में आदर्श नगर में हनुमान जी के मंदिर है, उनकी ट्रस्टी बहुत अच्छे समाज सेवक है, उन्होंने भी हमें आशीर्वाद दिया है। तो ये जो कार्यक्रम है, आज मुंबई शहर में हर रोज 12 बजे खाना खिलाया जाएगा, ये मेरा पहला मुहिम है जो मैं, और बाकी आप सभी के आशीर्वाद से मेरे घर में नन्ही पोरी आएंगे, छोटा सा बाबू आएंगे, तो आप सभी का दुआ आशीर्वाद चाहिए। इसी से मैं आप सभी का नमन करता हूँ, आ गया है गुरु जी, आ गए, मैं सभी से नमन करता हूँ, बात रखता हूँ। मेरे तमाम जो मेंबर हैं वो अपनी बात रखेंगे, मेरे गुरु जी आ गया है सुरेश गुरु ओझा, जो हमारे सनी धाम के बहुत बड़े गुरु जी हैं, मीरा रोड के, मेरे संस्था के, मेरे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका लीगल हेड, लीगल एडवाइज़र, राष्ट्रीय प्रवक्ता शैलेश दुबे जी आ चुका है, उनके भाई हमारे एडवोकेट साहब, तमाम लोग यहाँ पे आए हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, और एक एक करके अपने अपने बात, अपने अपने वाणी को रखेंगे, और अपना अपना काम देखेंगे, अपना अपना वो करिए, बाकी का सभी को बुलाना है मुझे। एंड थैंक यू, जो कुछ भी बोला बहुत बड़ी बात है, और आपने शुरुआत छोटी चीज़ से की है। मैं दुआ करती हूँ कि आप उस मुकाम पर पहुँचो जो आपका ड्रीम्स है, जो आपका सपना है। सो बस सब लोगों को थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना अच्छा अपना सोच रखा, इतना अच्छे से शुरुआत की। दुआ करती हूँ कि बहुत अच्छा हो, और जैसे कि आपने बोला कि जितने भी स्ट्रगल है, जितने भी बॉलीवुड या जितने भी लोग हैं जो कोरोना वायरस में या COVID-19 में जो भटक रहे थे इधर उधर खाने के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा है। मैं कुछ जानती नहीं थी, बट सुन के काफ़ी अच्छा लगा, जैसे कि आपने इतना सारी चीज़ें बोली, सो बहुत अच्छा लगा सुनते हैं। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम सबको, सबसे
पहले कल्याण भाई को सलाम किया, उन्होंने ये कार्य किया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री में इतने सारे बड़े बड़े स्टार्स हैं, एक्टर्स हैं, लेकिन जिन्होंने जो कार्य नहीं किया है वो कल्याण चादर जी ने किया है। और ये जो उन्होंने आज ये भंडारा स्टार्ट किया है हर रोज़ 12 बजे का, ये उन लोगों के लिए है। हिंदुस्तान में पहली बार इतिहास में हो रहा है कि जो आर्टिस्ट हैं, जो काम करते हैं या मीडिया में पीछे काम करते हैं, कोरोना काल में हम लोगों ने खुद ये चीज़ देखा है। खासकर मैं खुद जब घर घर जाकर मैंने देखा है कि वो लोग सामने आकर कहने के लिए, चीज़ के लिए बहुत हिचकिचाते हैं कि हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। कल्याण भाई ने बहुत बड़ा कार्य किया है कि उन लोगों को अपनी शर्मिंदा महसूस नहीं करना है, बेझिझक होकर आगे आना है और भूख के लिए कम से कम नहीं मरना है। तो इस बात की भी कल्याण भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद। उनका एक सपना जो था कि मुझे कुछ करना है, और दादा साहेब फाल्के फिल्म्स आइकॉन के जरिए उन्होंने ये कार्य आगे लिया है कि आज उन आर्टिस्ट के लिए हर रोज़ 12 बजे यहाँ पर खाना अवेलेबल होगा। उनको सिर्फ आना है, खाना है और दिल खोल कर आशीर्वाद देकर जाना है। और जब इतना महान कार्य ये करेंगे, कहते हैं ना कि तब भी खुश तो सब खुश, तो अगर पेट खुश रहेगा तो दुआ अपने आप निकलेगी, और जब दुआएँ साथ रहेगी तो कोई भी चीज़ आपको कभी रोक नहीं सकती। बहुत चलिए, ओके, थैंक यू।